उन्होंने ही कहा है, उन्होंने वॉर्न किया है आर्मी चीफ ने टीटीपी को, जिसमें उनका कहना था कि सबमिट टू रिट ऑफ स्टे और गेट डेसिमेटेड। और इसके ऊपर फिर उनका ये कहना था कि जो वहां का जिरगा था, उनसे जो उनकी मुलाकातें हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो बातचीत ग्रुप से नहीं करेंगे, टीटीपी से नहीं करेंगे, हमारी अगर बातचीत यानी होगी तो फिर वो अफगान गवर्नमेंट जो है वहां की, ये तालिबान हुकूमत, उनसे ही होगी। फिर वहां पे जो ट्राइबल के लोग थे उन्होंने ये कहा कि हम फौज के साथ हैं और टीटीपी और उसका नजरिया जो है वो किसी भी कबीले के लिए काबिले कबूल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि कुछ जरा फेस ऑफ हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, दो तीन ऐसे एपिसोड्स हुई हैं, उसके बाद अब ये एक बार फिर हमें नजर आए कि उनकी तरफ से वॉर्न किया गया टीटीपी। सर क्या प्लीज आप बताइए कि इसके ऊपर आप क्या कॉमेंट करना चाहेंगे? तो हिलरी क्लिंटन ने अक्टूबर 2011 में कहा था, वो एक बहुत फेमस जुमला थे जो कि तकरीबन 12 साल पहले उसने कहा था। उसने कहा था कि यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दैट इट विल ओनली बाइट योर नेबर। इसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ है कि अगर आप सांप जो हैं वो अपने सहन में पालेंगे तो आप ये तवक्कु ना रखें कि वो सिर्फ आपके हमसाये को ही काटेंगे। अब पिछले 21-22 साल से पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया है, हर लिहाज से उनको सपोर्ट किया है। उनकी जो फैमिलीज हैं वो इस वक्त भी पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में और क्वेटा में मौजूद हैं। ये एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है और ये बात बहुत ज़रूरी है कि टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है, दोनों तालिबान ही हैं और दोनों का एक ही नजरिया है और वो है इस्लामी रियासत या इस्लामी खिलाफत का क़याम। वो इससे पहले भी कभी नहीं पीछे हटेंगे, हटे हैं और ना ही आइंदा वो इससे हटेंगे। अब ये जब मैंने ये जो पढ़ा कि जो आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है उसमें कोई भी चीज जो है ना, दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है विच इज मेकिंग सेंस एक्चुअली। और वो ये है कि लेट स्टार्ट विद वी विल डेसिमेट यू। पिछले 22 साल में पाकिस्तान जो है वो उसमें हमले हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ अंदाजे हैं, कुछ लोग कहते हैं 70,000 लोग मरे हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख लोग मरे हैं, और उसमें जो है वो 95% तकरीबन पश्तून से हैं। अब अगर आप एक ग्रुप को पिछले 22 साल से डेसिमेट नहीं कर सके हैं, यानी विद ऑल दी सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान में पिछले 22 साल में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो है वो एड दिया है और ग्रांट्स दिए हैं और सपोर्ट किया है, अगर उसके बावजूद आप नहीं कर सकते हैं तो इस वक्त तो अमेरिका का भी कोई वो हेल्प नहीं है। बल्कि अमेरिका तो ये है कि वो तालिबान के साथ जो है वो मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर 22 साल में आपने डेसिमेंट नहीं किया है तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये सिर्फ जो है ये एक जबानी जमा खर्च है, ये एक स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिया हुआ है और इससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं है। आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा पीछे जाएं, तो इमरान खान ने खुद कहा था कि मैंने जो है वो 7,000 टीटीपी है उनके जो मेंबर्स हैं उनको मैं रिहेबिलिटेट कर रहा हूँ केपी में, और ये सिर्फ ना ना सिर्फ 7,000 हैं बल्कि 50,000 उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं। तो जब आप इतने बड़े लोगों को आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, यानी रिहेबिलिटेट तो आप किसी भी टेररिस्ट को नहीं कर सकते हैं। जब एक आप उनको वापस मदरसा तो नहीं भेज सकते हैं ना, उनका काम ही यही है, उनका काम है। अब अगेन जो जो अफगान तालिबान हैं और पाकिस्तानी तालिबान हैं उनमें कोई फर्क नहीं है और दोनों के बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। बल्कि अभी जितने भी असलहा अफगानिस्तान में वो अफगान तालिबान के हाथों में आया है वही असलहा पाकिस्तानी तालिबान के हाथों में भी है। तो अब यह है कि पहले तो ये था कि इतने मतलब वो आर्म नहीं थे, अब वो उससे भी ज्यादा आर्म हो गए हैं। बल्कि अभी ये हुआ है, जो फर्क अभी जो आया है वो ये है, दो तीन इस वक्त जो है वो हम जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं इस वक्त। पहला जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अफगानिस्तान में पहले तालिबान की हुकूमत नहीं थी बल्कि तालिबान पे कॉन्स्टेंटली अटैक्स हो रहे थे और इस वजह से मतलब जो पाकिस्तानी तालिबान थे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अभी जो है वो वहां पे तालिबान की हुकूमत है तो जाहिर है ये जो है ये ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट है बल्कि ये मटेरियल सपोर्ट भी है।
अब पाकिस्तानी तालिबान के लिए। तो अभी जो है आप देखें कि 73% अटैक्स जो है लास्ट ईयर ज्यादा हुए हैं पाकिस्तान में तालिबान की तरफ से। अब वही सूरत हाल है जो कि पहले मतलब 2011-2014 में जो सूरत हाल थी अब फिर से वो बन रही है और एग्जैक्टली वही एरियाज हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आया है केपी है, बल्कि अभी ये हुआ है जो फर्क है वो ये है कि बलूचिस्तान पे अब ज्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि सीपैक पे जो है वो अटैक्स जो है वो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हो रहे हैं उस पर, और चाइनीज जो है वो बहुत कंसर्न है इस बारे में कि जो उनके जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सेफ नहीं हो रहे हैं। आपने उनके जो है वो स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे चाइनीज ऑफिशियल्स के कि वो इस बात से खुश नहीं है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि इकॉनमी, अभी आप अगर देखें तो मतलब आर्मी जो है उन्होंने ना सिर्फ एग्रीकल्चर को उन्होंने संभाल लिया है बल्कि जो जितने भी मतलब इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि पहला ये था कि मतलब जो सिविलियंस हैं उनके पास इकॉनमी सिर्फ थी, बाकी जो है वो तो ऑलरेडी आर्मी के पास थी, अभी जो है वो इकॉनमी भी कम्प्लीटली वो आर्मी के पास चली गई है और आर्मी के जो मेंबर्स हैं वो हर एक इकोनॉमिक फोरम पे वो मौजूद होते हैं और वो जो है वहाँ पे उन मतलब क्लियरली कह रहे हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ इट। तो अब जाहिर है मतलब अगर एक आर्मी है जो अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी कहती है और वो जो है वो इन चीज़ों में बिजी हो गई है कि वो एग्रीकल्चर में बिजी हो गई, वो इकॉनमी में बिजी हो गई है, तो जाहिर है उनके पास जो है वो इतना मतलब वो फोकस नहीं है उनका कि वो मतलब जो अटैक्स हैं उनको वो स्टॉप कर सकें। अब जाहिर है इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहुत बड़ी बात है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें शामिल हैं, लेकिन ये है कि जी मैं इसमें एक नुक्ता इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि ये जो है क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो हालात वाकियात रहे हमारे उसमें हमने देखा कि जो इन इलाकों के लोग हैं वो भी उनका साथ देते रहे। अब जो उनका यानी आर्मी चीफ का जो वहाँ के ट्राइबल जिरगा है वहाँ के लोगों से मिलना और उनको ये कहना और फिर उनसे जो है यानी एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ना, और इसमें ये कहना कि जो कबाइली इलाके हैं उनके मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा और अवाम की मुआशी तरक्की से जितने भी मंसूबे हैं प्रोजेक्ट्स हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा, फिर 81 बिलियन रुपीज की जो है वो उसके लिए किया गया है। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो स्टेप्स हैं तो वहां के लोग जिनमें अगर कोई ऐसी मतलब मिसट्रस्ट या होता है ना कि गैर यकीनी की सूरत हाल या ये हमें ये नहीं मिला इस बिना पर वो किसी का साथ दें, तो ये कुछ कर पाएगा ये स्टेप नहीं? पहली बात यह है कि ये तासर बिल्कुल गलत है कि लोकल जो लोग हैं वो साथ देते हैं। अगर आपके घर के बाहर जो है वो एक तालिबान जो है मेंबर आपके घर पे आ जाए और उनके पास इतना असलहा हो कि जो आपने पहले कभी देखा भी ना हो, तो जाहिर है आप मजबूर होंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोई आपको आपको बचाने वाला नहीं है। तो लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जाहिर है उनकी मजबूरी होती है, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब एक बात, दूसरी बात यह है कि जो आपने देखा कि पिछले 10 साल में यानी जितने भी ट्राइबल एल्डर्स थे स्वात में, दीर में, बाकी पूरे जो जो फॉर्मल फाटा है उसमें जितने भी एल्डर्स थे उन सबको मारा गया। तो जाहिर है जब आप उनको मार देते हैं ताकि वो जो आपका तालिबानाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़े, अब जो है आपके आप ट्राइबल एल्डर्स को जो है वो उसमें कह रहे हैं कि वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट है, जाहिर है उनको अभी तक क्या मिला है, उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ ये है कि वहां पे F-16 से जो है बमबारी की गई, वहां पे जो है गनशिप हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई, वहां पे जितना कोलेटरल डैमेज पाकिस्तानी अटैक्स की वजह से हुआ है वहां पे तो कोई ड्रोन जो है वो उसकी वजह से नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो है वो आप उसको वार्न कर रहे हैं, अफगान तालिबान को वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने TTP का सपोर्ट बंद ना किया तो हम जो है वो अफगानिस्तान में अटैक्स करेंगे। अब इससे बड़ी इडियाटिक जो है ना बात नहीं हो सकती है। पहली बात तो ये है कि ये इलीगल है कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके अटैक्स करते हैं, तो दैट इज अगेंस्ट। पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने जितने भी मतलब जो अफगान तालिबान थे वो पाकिस्तान में ही थे और वो जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अटैक करते थे, तो अफगानिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम जो है वो आप पे अटैक करेंगे, ठीक है ना?
तो इस तरह से नहीं होता है, और फिर ये केस से एक बहुत बड़ा जो है वो एक इंटरनेशनल आउटक्राई जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर ये है कि आप मतलब उसका जो जिसका कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, यानी उससे एक फुल आउट वॉर जो है वो डिवेलप हो जाएगी, अगर इस तरह से कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो है वो कोशिश की गई अक्रॉस द बॉर्डर अटैक करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस ये जो हैं ये पिछले 22 साल से इस तरह से हो रहा है, और इसी वजह से ये जो मैं इस तरह के मैं स्टेटमेंट्स जब मैं देखता हूँ तो उससे मुझे यही लगता है कि मतलब जो रियल एक्शन है वो तो ये है कि आप जितने भी तालिबान बनाने के जो जो आपके जो फैक्ट्रीज हैं उनको आप बंद कर दें, ठीक है ना। तो ये एक एक पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा जिस पे आपने अमल करना होगा, उस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, उस तरह से कुछ भी मतलब जो एक्शन है वो नहीं लिया जा रहा है। जितना भी मतलब आप देखें पीटीआई के लीडर्स के जितने भी, परवेज खटक ने खुद कहा था कि तालिबान हमारे भाई हैं, उनको उन्होंने ऑफिस जो है वो ऑफर किया था कि हम आपको ऑफिस दे रहे हैं। अभी जो है आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो है ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए। अब जो है वो यूएस फोर्सेस के जाने के बाद जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। अबी तक कोई थ्रेट नहीं था, पिछले 21-22 साल में ये थ्रेट नहीं था, अभी जो है वो थ्रेट बन गया है। तो जाहिर है आपने जब तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने और जब तक आपने स्टेट लेवल पे आपने अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं की हैं और उसमें रेडिकल चेंज आपने नहीं किया है कि आप अफगानिस्तान को एक जो है वो एक खुद मुख्तार मुल्क इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर ले और आप जो है वहां पर मुदाखलत बंद कर दें, जब तक वो नहीं होगा ये सारी चीजें होती रहेंगी। और जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि अभी जो जो एक कंप्लीटली नए जो फिनोमेना है वो है आईएसएस, जिसको आईएसएस खुरासान कहा जाता है। और वो जो है आपने अभी देखा कि जेयूआई के जलसे पे जो है वो जो खुदकश हमला किया गया और आईएसएस ने जो है उसकी वो कर दी है। तो आईएसएस और तालिबान के बीच में एक जंग जो है वो जारी है। अब जाहिर है मतलब पॉइंट वही है कि जब तक आपने इन चीजों को जो है ना वो रेडिकल पॉलिसीज चेंज नहीं की है तब तक ये चीजें जो है इस तरह होती रहेंगी और इसमें जो है आम जो लोग हैं वो इसी तरह से मरते रहेंगे। अब आप देखें कि उसमें किसका गुनाह था कि वो जो 60-70-80 लोग जो हैं वो मारे गए, वो सारे के सारे कितने बेगुनाह लोग थे जो उसमें मारे गए। अब ये जो इतना एक इंसानी अलमिया है उसको कोई नहीं देख रहा है, यानी अभी तक जो है वो कोई मसला नहीं था कि जो है वो अटैक्स हो रहे थे और हो रही थी वो कोई मसला नहीं था। अभी जो है वो मसला बन गया है क्योंकि इकॉनमी पे डायरेक्टली जो है वो असर पड़ रहा है और उसकी वजह से हर एक जो है ना इस वक्त कंसर्न है। सही डॉक्टर साहब, इस प्रोजेक्ट की तो आपने बात कर ली, तालिबान प्रोजेक्ट की, तो एक और प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमने जब बात की थी तो उस वक्त तक इमरान खान जो है उनको जेल नहीं हुई और अब जो है वो जेल में सुधार चुके हैं यानी ये कि जेल जा चुके हैं और वहां पर वो कह रहे हैं कि कीड़े भी हैं और मक्खियां भी हैं और खाने को जो है वो दाल मिल रही है और इसके अलावा जो हालात वाकयात हैं उनकी क्या आप ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसकी बिना पर ये अब कम होगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या आप इसको कैसे देख रहे हैं कि हालात इसकी बिना पर खराब? देखें एक तो लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक एक पूरा जो है वो एक दास्तान है पाकिस्तान में सिविलियन लीडर्स को सजा देने का, ठीक है। तो ये तो उसकी एक कड़ी है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लीडर्स को बनाते हैं और उसके बाद उनको गिरा देते हैं जब वो उनके लिए करामत साबित नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये है, जब तक रियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक किसी कोर्ट रूम में एक सिविलियन के साथ एक मिलिट्री ऑफिसर भी जब तक खड़ा नहीं होता है तो तब तक जो है ना ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा। मुशर्रफ जो है उन्होंने मतलब क्लियरली जो है वो गद्दारी की थी, उसको जो है ना किस तरह से उसको बचाया गया, ठीक है। लेकिन यह है कि कोई भी सिविलियन जो है उसको एक छोटे से केस में मतलब उनको इन्वॉल्व करके किस तरह से उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो मतलब भुट्टो को फांसी दी गई, उसकी बेटी बेनजीर को जो है वो तालिबान के जरिए मार दिया गया, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ और अभी जो है वो मतलब कितने सारे नाम हैं, मतलब कोई 35-40 के नाम हैं जिनके साथ जो है ये सब कुछ हो रहा है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसी तरह से। तो जब तक एक रियल अकाउंटेबिलिटी मुल्क में नहीं होगी तब तक जो है ये इसी तरह से चलता रहेगा। और अगर आप देखें मतलब बेहतरी तो जाहिर है मतलब वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ये है कि बेहतरी की कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है,
क्योंकि अभी ये इस वक्त जो है ये कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन